सेवक थे उन्होंने पकड़ लिया नंद बाबा को और जेल में डाल दिया, वरुण लोग ले गए। बाल वालों ने खबर दिया ठाकुर जी को, लाला आपके बाबा जी पानी में डूब गए। पानी में डुबकी लगाते हुए देखा, वापस आते हुए नहीं किसी ने देखा। ठाकुर जी दौड़ करके एक छलांग में ही वरुण लोक पहुंच गए। अब तो वरुण जी अपना सिंहासन छोड़ करके दंडवत प्रणाम करने लगे, फूलों की बरसात करने लगे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो नंद बाबा को तुरंत मुक्त किया। नंद बाबा बड़े हैरान हो गए, मुझे तो जेल में डाल दिया और मेरे कन्हैया को इतनी पूजा करके स्वागत किया। नए नए कपड़े दिए ठाकुर जी को, नंद बाबा को देवताओं के कपड़े, देवताओं की माला, ये सब अलंकार, खूब तिलक चंदन हार पुष्प से जय जय करते हुए नंद बाबा को देकर के भेजा ठाकुर जी को। आज वरुण लोक को पवित्र किया भगवान ने। जब नंद बाबा ठाकुर जी वापस आए, ग्वाल बाल बड़े हैरान थे, कपड़े गीले नहीं है, पानी से आए हैं अभी अभी और कपड़े बिल्कुल सूखे हैं, बड़े हैरान हो गए। अरे ये दिव्य वस्त्र गीले नहीं होते, ये देवताओं के तो आपको कैसे मिले बाबा, ये चंदन ये हार माला ये तो हम हमारे भारत में तो दिखाई नहीं देते ये सब कुछ भी। नंद बाबा बोले, अरे भैया गजब हो गया, ये सब देवी देवताओं ने ये कपड़े पहनाए, ये तिलक चंदन हार पुष्प, ये मैं तो वैकुंठ लोक पहुंच गया। अब तो ग्वाल बाल सब कन्हैया को पकड़ लिए, कन्हैया का पीतांबर पकड़ लिया। कन्हैया हमारे साथ क्या दुश्मनी है तेरी, अपने बाबा को तो वैकुंठ दिखा दियो और हाँ हमें दर्शन नहीं कराए वो वैकुंठ। ठाकुर जी बोले, वैकुंठ देखना है। इति संचिंत्य भगवान महाकारुणिको हरि दर्शयामास लोकस्य गोपानां तमसः परम अनंतम ज्ञानम यद ब्रह्म ज्योति सनातनम। अपने सनातन धाम के दर्शन वैकुंठ लोक के भगवान को करा दिए। दर्शन करके जय जयकार करते हुए वैकुंठ से वृंदावन धाम वापस आ गए। ऐसे वापस आए हैं और आनंदित होकर के ब्रजवास करने लगे। आगे हम लोग रास की ओर प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे कथा का समय कितनी जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं लगता। 1:30 बजे 2:30 बजे विवाह उत्सव कराना है और बहुत लंबी यात्रा हमें करनी है। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधा 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 सीधा
प्रातकाल सुबह सुबह यही महीना था पवित्र कार्तिक मास। गोपियां भी सुबह उठ जाती है और कार्तिक के महीने में स्नान, गंगा स्नान, यमुना सरयू स्नान, इसकी बड़ी महिमा है। हम गंगा जाके स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही बाल्टी में थोड़ा काले तिल डाल करके नहाने से भी गंगा स्नान का फल मिलता है। ये भी नहीं सुविधा तो केवल गंगा गंगा कह करके, कोई अगर केवल गंगा का नाम लेकर के श्री यमुना रसरानी जी का नाम लेकर के कोई नहाए तो भी, क्योंकि ये सब चैतन्य नदियां ये सब आ जाती है हमारे ही पानी में उनका भाव, तो गोपियां तो सुबह उठ करके यमुना जी में स्नान करती हैं। पर उनसे एक अपराध होता है कि कपड़े वस्त्र धारण किए बगैर ही स्नान, क्योंकि वो छोटी छोटी गोपिकाएं हैं, 7 साल 8 साल की कोई है तो ऐसी गोपिकाएं छोटी छोटी। परंतु अपमान वरुण जी का भगवान ने देखा कि यमुना जी का अपमान है ये, तीर्थ में पुरुष को भी वस्त्र सहित स्नान कपड़े पहन के ही डुबकी लगानी चाहिए तीर्थों की नदियों में, तो इनसे ये अपराध हो रहा था। उसको बताने के लिए भगवान आए, सारे कपड़े उठा कर ले गए
और एक पेड़ पर चढ़ गए कदंब के। गोपियों ने प्रार्थना की, चीर हरण किया और गोपियों के वस्त्र भगवान ने वापस दिए हैं। कात्यायनी की पूजा करती है गोपियां, कात्यायनी भगवती से वरदान मांगती है, अम्बा हे अंबिका मैया, हे कात्यायनी मैया, श्री कृष्ण ही हमारे पति बने, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। भगवान ने आशीर्वाद ठाकुर जी ने दिया। भागवत की बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। कात्यायनी की पूजा गोपियां कर रही हैं, आशीर्वाद ठाकुर जी दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब काली माता ही कृष्ण है? बोले हाँ, जो काली है वही कृष्ण है। भगवान शिव ही गौरा गौर वर्णा श्री किशोरी एक रूप में जो ब्रज में अवतार है जिनका, और राधा बन करके आए हैं। पूर्व जन्म की इच्छा थी इसलिए। शरद पूर्णिमा अभी पीछे गई, पिछली जो पूर्णिमा थी शरद पूर्णिमा, ग्रहण था उस दिन चंद्र ग्रहण। तो शरद रात्रि की पूर्णिमा में मेरे साथ आप लोगों को रास में प्रवेश मिलेगा, आप लोगों को मौका मिलेगा, वहां आप लोग आना। आज भगवान का वो वचन सत्य किया और आज भगवान यमुना के तट पर रात के 12 बजे मस्ती से बांसुरी बजाने लगे। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़ना भूल गए ब्रह्मा जी, देवी देवताएं सब आकाश में प्रकट होकर के उस दिव्य रास को, उस बंसी को सुनने आए हैं। आज की बांसुरी है परीक्षित उसी गोपी को सुनाई पड़ रही है जिसका भगवान ने चीर हरण किया था। चीर हरण मतलब हाँ, अज्ञान हरण, अज्ञान रूपी कपड़ा है, पर्दा है, माया का पर्दा। जिस जिस जीव का भगवान ने माया का पर्दा हटाया उसी को ये बंसी, कन्हैया की बांसुरी हृदय में तो वो तान दिन रात बज रही है, पर उसको वही सुन पाता जो अंतर्मुखी हो गया है, जो गुरुमुखी हो गया है। मनमुखी को सुनाई नहीं देगी ये तान। जो अंतर्मुख हो गया है भगवत चिंतन में जो लीन है, उसको दिन रात वो बंसी सुनाई देती है, कन्हैया की दिव्य तान। एक नाद ब्रह्म अंदर चलता है और नाद ब्रह्म से ही वो इस बांसुरी की तुलना की है। तो आज उन गोपियों को सुनाई पड़ रही है जिनका ये अज्ञान का पर्दा, माया का पर्दा हम हटा चुके हैं कन्हैया। आज इन गोपियों में परीक्षित बड़ा ही दिव्य भाव आप लोग सुने। कोई नाग कन्या भी आई है, कोई गंधर्व कन्या, कोई देव कन्या, ये कोई गोपी के रूप में साधारण नहीं है। और तो और ऋषि मुनि आए हैं, जो त्रेता युग के ऋषि मुनि थे, दंडक अरण्य में जंगल में तपस्या करते थे। उन ऋषियों ने प्रभु श्री राम को देखा तो इतने मोहित हो गए, प्रभु को आलिंगन करना चाहते थे, छूना चाहते थे, हृदय से लगाना चाहते थे। भगवान बोले इस समय मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। ऋषि मुनियों के मन में भी प्रेम जागृत हो गया, वैराग्य खत्म कर दिया प्रभु का ऐसा सुंदर स्वरूप। तो आप लोगों को मैं मौका दूंगा मुझे हृदय से लगाने का, द्वापर युग में आना। कहते हैं एक बार श्री राम जी चित्रकूट में माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। एक बार पुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। माला बना बना के किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं श्री राम। केस में बीणी गजरा सजा रहे हैं, फूलों के ही कुंडल बना दिया प्रभु श्री राम ने, फूलों से ही सरकंडे को ही धागा बना करके पायल बना रहे हैं, उसी का हार बना रहे हैं, हाथों में कंगन, फूलों से पूरा किशोरी जी का श्रृंगार, श्री जानकी जी का श्रृंगार किया श्री राम ने। क्यों? बोले महारास रचाने वाले थे, 1000 में एक कम, 999 रास कर चुके थे भगवान श्री राम। कहां? चित्रकूट में रास। बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं, इतनी लीलाएं, रास लीला तो श्री राम जी ने चित्रकूट में करी। जैसे भगवान हमारा वृंदावन धाम है, ऐसे चित्रकूट धाम है। बड़ी लीला भगवान ने की। तो अब अंतिम हुआ 1000 का एक बराबर, कहां 1000 होना था, वो एक महारास करने वाले थे श्री राम जानकी जी के साथ। इतने में इंद्र का बेटा जयंत, उसके मन में विचार आ गया, ये तो बड़ा स्त्रैण्य लग रहा है, ये तो अपनी पत्नी का आशिक दीवाना लग रहा है,
अपनी पत्नी का ये दीवाना लग रहा है, ये तो ये कहां भगवान है, मैं परीक्षा लेके देखूंगा। देखो भगवान की परीक्षा लेने का विचार करने मात्र से देवता ही कौवा बन गया। परीक्षा ली नहीं अभी, भगवान की परीक्षा लेने से पहले ही कौवा बनना पड़ा। इसलिए भगवान की परीक्षा मत लो। हे भगवान मैं भी देखूंगा इस बार, ऐसा करोगे तो मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं। कई लोग ऐसे भी नास्तिक बन चुके हैं, कई लोग भगवान की पूजा करने से कोई फायदा नहीं, नास्तिक बन गए। किसी केस हमने सुना, उन्होंने गुरु महाराज बनाए तो एक बेटी हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी भी बेटी हो गई, और सोचा था हमने गुरु बनाया, गुरु मंत्र जपने से गुरु जी की कृपा से बेटा होगा, ये सोचा, सोच करके दीक्षा लिया। बताओ ये हाल है लोगों का। गुरु तो भगवान, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान के लिए बनाए जाते हैं गुरु, तो चौथी भी बेटी हो गई तो गुरु महाराज जी की फोटो उठा करके आंगन में फेंक दिया, कोई फायदा नहीं ऐसे गुरु की पूजा करने से। बताओ ये हाल है। गुरु भी इसलिए बना रहे, मेरी फैक्ट्री चल जाए, दुकान चल जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए, फिर गुरु बनाए। गुरु शब्द का इतना अपमान हो रहा है, जब जिसको देखो वो उसी को, हम हर किसी को गुरु मत बोलो, गुरु जी भी मत बोलो हर किसी को। अब गुरु रूप में देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। गुरु सदगुरु जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो परीक्षा लेने की सोचने मात्र से कौवा बन गया देवता। और कौवा बना चोंच मार दी माता सीता, देखो तो सही कितनी शक्ति है। जय श्री राम। सो भगवान ने देखा, लीला में विघ्न पैदा कर दिया इसने, और ऐसा विघ्न पैदा किया भगवान का मन ही दुखी हुआ। जय श्री राम। और दुखी हुए भगवान बोले अब रास नहीं करेंगे यहाँ चित्रकूट में, अगला रास करेंगे तो वृंदावन धाम में महारास करेंगे। तो जो चित्रकूट में लीला शेष रह गई थी, संतों के मुख से ये भी भाव सुना मैंने कि वो महारास वही किशोरी जी हैं, जानकी जी हमारी श्री जी हैं, और वही श्री राम ही श्याम बने हैं, तो महारास होने वाला है। कहते हैं प्रभु श्री राम माता सीता के जाने के बाद यज्ञ करते थे, तो आप सब जानते हैं यज्ञ करते थे ना भगवान, पर एक मिट्टी की सीता बना के भगवान, क्योंकि यज्ञ करना हो तो पत्नी चाहिए, सपत्निक चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी छूट है कि कोई अगर स्त्री अकेले पूजा करे तो उसका फल मिलता है उसको, पर पति अकेले पूजा करे तो उसका फल नहीं मिलता। पति अगर पूजा करे तो पत्नी ना करे, इसका मतलब इसको आप लोग इसको सर्टिफिकेट मत बना देना कि अब तो पता लग गया घर वाले पूजा करने हमारे पति देव गए तो हम ना जाए, और इसमें रिमोट निकाल लिया, फिर चैनल इतने बदल रहे हैं, ये सीरियल भी ठीक नहीं थी वो ठीक है, फिर सो गए चाय पी ली, ये नहीं, ये कोई छूट नहीं दे रहे। कोई अगर ऐसी दिक्कत हो हम जा नहीं पा रहे हैं, तो अगर हमारे पतिदेव ने कथा सुन ली है तो उसके सुनने का आधा 50% फल जो है पत्नी को मिलता है, पर पत्नी कथा सुन के गई पतिदेव को जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए खुद ही हमारे जितने भी हैं पति लोग, भाई लोग, हस्बैंड, उन सबको आ जाना चाहिए, आ करके बैठ के अपनी कमाई खुद करो। तो भगवान यज्ञ कर रहे थे तो माता जानकी जी की सुंदर मूर्ति बना के यज्ञ करते थे, तो भगवान के छूते ही वो मूर्ति चैतन्य होकर सीता बन जाती। अब तो जो कलाकारों को पता चला कि भगवान को मूर्ति चाहिए होती है, तो कलाकार जो अगर कोई लकड़ी की मूर्ति बनाने वाला कलाकार हो तो लकड़ी की माता सीता की, कोई सोने का कोई सुनारा ज्वेलर हो तो वो सोने की मूर्ति बना के भगवान को भेंट करता सीता मैया की, कोई चांदी की, कोई पीतल की। तो भगवान जब यज्ञ करते तो सब जिंदा हो जाती, छूते ही सीता बन जाती सब। सबको एक सुंदर घर बनाया, भवन बनाया हुआ था ठाकुर जी ने, उस महल में सबको भगवान ने रखा हुआ था, और बीच बीच में जाके देखते थे। जब सीता जी की याद आती थी तो किसी की उंगली पकड़ के कहते वाह मेरी सीता की उंगली ऐसी ही थी, चैतन्य थी वो मूर्ति, किसी के बाल सहलाते मेरी जानकी के ऐसे ही केस थे, ऐसे ही कान थे, ऐसे ही होंठ थे, ऐसे ही नाक थी, ऐसे ही आंख थी। तो सारी सीता रोने लगी,
प्रभु आपने हमें सीता तो बनाया पर सीता के जैसा हमारे साथ प्रेम नहीं दिया, हमें कभी आपने रास नहीं किया हमारे साथ। तो प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया था, प्रभु ने, जब मैं रास रचाऊंगा तो तुम सारी सीताएं सब आ जाना वहां, वहां तुम सब मेरे साथ नृत्य करना, रास करने का तुम्हें मैं सुख दूंगा। वो सारी सब आई हैं और आज आकर के दिव्य वो श्रृंगार कोई अलग अलग रूप में सारी गोपियां दौड़ी भागी चली जा रही हैं। कोई सिर पर ओढ़नी ओढ़ना भूल गई, कोई कान का कुंडल एक पहन चुकी थी दूसरा पहनने लगी, इतने में बंसी सुनाई पड़ी, उसने तो एक कान का कुंडल पहनना ही भूल गई, वो वैसे ही चली है। एक आंख में काजल लगा रही थी और दूसरी आंख में लगाना ही भूल गई, दौड़ी वैसे ही। एक तो बढ़िया सोने की डब्बी में काजल और सोने की सलाई लेकर के, जो आंख में काजल और जो सोने की सलाई से आंख में काजल लगाओ तो काजल लगाने वालों को हमने तो कभी देखा तो नहीं है, पर पता जरूर है कि सुई ऐसी भयंकर वो नुकीली पेंसिल होती है, इधर उधर हो जाए तो आपका भरोसा नहीं क्या हो जाए। बोलो राधे राधे। और तो सोने की सलाई से काजल लगा रही थी, इतने में बंसी वहीं पहुंच गई। अरे बावरी, अभी भी श्रृंगार करने में समय बिता रही है, चल चल, बांसुरी की तान वहां पहुंच गई। उसने कहा रुक जा बहन बंसी, मैं थोड़ा अपना श्रृंगार कर लूं। अरे जल्दी कर, समय नहीं, सब गोपियां पहुंच चुकी है। अब तो इतनी व्याकुल हो गई, सलाई फेंक दी, पूरी डब्बी काजल की उठा, मुंह पे ही पोत डाला, पूरा पता ही नहीं लगा काजल का। हंसने लगी बंसी, राम राम, इतनी काली कलोटी हो गई तू, इतनी काली होकर के जाएगी। उस गोपी ने कहा अरे बंसी तुझे क्या बताऊं, ये थोड़ा काजल की क्या चले, हमारा जिसके पास जा रहे हमारा कन्हैया तो पूरा का पूरा काला है, वही बाहर का श्रृंगार नहीं देखता, वो तो मन का श्रृंगार देखता है हमारा कन्हैया। मेरी चादर ओढ़ के कैसे लुक ले द्वारे तिहारे, अरे चादर भले ही मैली है कोई बात नहीं, चले आओ हमारे कन्हैया के पास, प्रेम के साबुन से धो धो करके तुम्हारी चादर को सफेद कर देगा, आओ तो सही। आज सब गोपियां भागी हैं और मंगल बांसुरी बजाते हुए कन्हैया ने स्वागत किया, हाथ पकड़ पकड़ करके रास करने लगे, परंतु गोपियां अपने आप को देखने लगी, वारे हम इतनी सुंदर, जगत को अपने इशारे पर नचाने वाले मोहन आज खुद अपने इशारे पर हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, अपने आप को देखने लगे हम कितनी सुंदर हैं, और अभिमान आ गया। भगवान बोले अभिमान आ गया तो भगवान का कोई काम नहीं है, तुरंत उन गोपियों के हाथ को छुड़ा करके अंतर ध्यान हो गए। वही अंतर हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना जगहु कलां वाम दृशां मनोह। आज अंतरहित, सुखदेव जी कहते हैं अंतरहित, अंतरहित मतलब भगवान के अंतर में इन गोपियों का हित छिपा था, इसलिए अंतरहित, इन गोपियों को अभिमान ना आ जाए इसलिए भगवान छुप गए। गोपियां रोती विलखती हुई कन्हैया का पीछा कर रही हैं और हे गोविंद हे गोपाल करती हुई सारी गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही हैं। बोल रास बिहारी भगवान की,